करंट अफेयर को यूपीएससी की कुंजी कहा जाता है। इसके बिना आप यूपीएससी के पहले चरण को सफल कर ही नहीं सकते। अब जब पहला चरण ही पास नहीं हो पाएगा तो बाकी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि आखिर यूपीएससी में सफलता के लिए करंट अफेयर्स को कितना पढ़े, किन रिसोर्सेज से पढ़े और कब तक के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए। इन बातों के बारे में सोचना काफी नॉर्मल है। इसी परेशानी में एस्पिरेंट समय बर्बाद कर देते हैं और जब तक उन्हें इस बारे में पता चलता है तब तक प्री परीक्षा का समय आ ही जाता है। अगर आप भी इसी परेशानी में हैं और जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए क्या पढ़े, कितना पढ़े और कहां से पढ़े, तो हमारी आज की ये वीडियो पूरी जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। यूपीएससी प्री में सक्सेस के लिए करंट अफेयर्स जरूरी है, ये बात आपको हर कोई बताता है, लेकिन इसको कैसे कवर करें यह आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऐसे में आइए जानते हैं करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज के बारे में। इसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है न्यूज़पेपर। करंट अफेयर को कवर करने के लिए सबसे पुराना और बेस्ट रिसोर्स न्यूज़पेपर को ही माना जाता है। आप किसी भी यूपीएससी टॉपर से या इस परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट से पूछेंगे तो आपको सबसे पहले यही बताया जाएगा कि न्यूज़पेपर ही करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट है। लेकिन इसके बाद भी कई एस्पिरेंट्स इस बात को इग्नोर करते हैं और शुरुआत के कुछ दिनों से ही न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं और बाकी चीज़ों जैसे कि किताबों और ऑनलाइन करंट अफेयर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई उन मुख्य टॉपिक्स के बारे में पता नहीं चलता जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए हर कोई आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने की ही सलाह देगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर न्यूज़पेपर को कितनी देर तक पढ़े, उसमें क्या क्या पढ़े। तो दोस्तों, इसके लिए आपको केवल 40 से 45 मिनट का समय निकालना है और पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ फ्रंट पेज, एडिटोरियल और इंटरनेशनल टॉपिक्स को ही देखने हैं। हर दिन आप इन्हें कवर करें और साथ ही साथ न्यूज़पेपर से मिलने वाली न्यूज के नोट्स भी बना लें, जिससे आपको रिवीजन के समय उन्हें फिर से ना पढ़ना पड़े। नंबर 2, मंथली मैगजीन। करंट अफेयर के दूसरे रिसोर्सेज के लिए आप मंथली मैगजीन की मदद ले सकते हैं। इसमें आपको पूरे महीने में होने वाली या हो चुकी उन सभी इम्पोर्टेंट उन सभी इवेंट्स के बारे में जुड़ी हुई सारी बातों के बारे में पता चलेगा, जिसका जिक्र परीक्षा में भी किया जा सकता है। इसलिए न्यूज़पेपर के बाद आपको हर टॉपर या यूपीएससी टीचर मंथली मैगजीन को पढ़ने की ही सलाह देता है। अब बात करते हैं इसके लिए आपको कितना समय देना है। तो दोस्तों, मंथली मैगजीन आपको मंथ में तो एक ही बार मिलेगी, जिसमें आपको पूरे महीने की यानी 30 या 31 दिन में हुई कई बातों के बारे में बताया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि इसे आप एक हफ्ते के अंदर ही कवर कर सके। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यूपीएससी 2024 के लिए मंथली मैगजीन कब से पढ़ना शुरू करें। तो दोस्तों, आपको ये मई 2023 से शुरू करने की जरूरत होती है, क्योंकि इससे पहले होने वाली जरूरी घटनाओं का जिक्र 2023 में हुई प्री में किया जा चुका होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, योजना। हर साल हमारे देश में कई तरह की योजनाओं को लागू किया जाता है, जिससे जुड़े सवाल हमेशा से ही यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और केवल प्री में ही नहीं बल्कि मेंस परीक्षा में और इंटरव्यू राउंड में भी आपको इस पॉइंट से जुड़े टॉपिक सुनने को आसानी से मिल जाएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन्स में तो आपको इससे बारे में थोड़ी सी ही डिटेल मिलेंगी, लेकिन यूपीएससी तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मांगेगा, वो भी लिमिटेड वर्ड्स में। अब इसका जवाब देने के लिए तो आपके पास इस पॉइंट से जुड़ी सारी डिटेल होनी चाहिए, तो इसके लिए आप सरकारी वेबसाइट्स की मदद ले सकते हैं, जिसमें आपके काम सबसे ज्यादा PIB आएगी। इस वेबसाइट में आपको देश में लागू होने वाली सभी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, साथ ही इसमें लगने वाली धनराशि, योजना का लाभ किन को मिलेगा, ऐसे जरूरी पॉइंट्स भी आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए इस पॉइंट को जरूर कवर कर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।